तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम ताहिर दोस्तों है। मैं यूए 14 की अपडेट जो है पाकिस्तान में फाइनली लॉन्च हो गई है दोस्तों। इसकी डेट बताऊंगा, ये कौन कौन सी डिवाइसेस में देखी जा रही है और किस किस फोन में आप लोगों को ये अपडेट देखने को मिलेगी और इसमें कौन कौन से न्यू फीचर्स दिए गए MIUI 14 में। दोस्तों बात करते हैं MIUI 14 की। उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, करते हैं वीडियो को शुरू। अब सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों, MIUI 14 के बारे में बात करते हैं पाकिस्तान में। तो सबसे पहले आप लोग देख लें कि MIUI 14 में आप लोगों को जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वो सबसे पहले गेमिंग सर्वो और अलग अलग टाइप के फीचर देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये MIUI 14 आप लोगों के रेडमी के और पोको के फोन पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो मेरे पास डिवाइसेज है वो आपको दिखा देता हूँ। जो डिवाइस है मेरे पास वो है रेडमी नोट 10 एस। ये यहाँ देखते हैं MIUI 14 मुझे शो हो रहा है, ये यहाँ पाकिस्तान में मुझे शो होने लगी है MIUI 14। अभी तक मैंने दोस्तों उसको अपडेट नहीं किया। इसको अपडेट किस तरीके से करना है, यहाँ डाउनलोड अपडेट पे आप जाएंगे। डाउनलोड अपडेट पे जाने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि अभी मेरे पास स्टोरेज नहीं है इसलिए यहाँ पे क्लीन अप पे जाऊँगा तो यहाँ से मैं अपनी डिवाइस को क्लीन करूँगा तो अपडेट होगी। क्योंकि ये अपडेट दोस्तों 3.5 GB की अपडेट है, ये इतनी आसानी से नहीं होगी। इसके लिए आपके फ़ोन की स्टोरेज सबसे पहले खाली होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर Xiaomi ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं तो आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख लें कि ये जो अपडेट है MIUI 14 की है, सही दोस्तों, ये फरवरी में ग्लोबल में आई थी, फिर यहाँ मार्च में आप लोगों को देखने को मिल गई थी अपडेट। और दूसरी चीज़ इसमें दोस्तों वॉलपेपर न्यू टाइप के वॉलपेपर दिए गए हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। दूसरी चीज़ वॉलपेपर के अलावा यहाँ पे आपको नए नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। आपके फ़ोन के गेमिंग सर्वो में एक्सपीरियंस बदल जाता है, मतलब पबजी के लिए कोई भी ऐसे गेम के लिए नए नए फीचर्स दिए गए हैं। गेमिंग सर्वो MIUI 14 में न्यू दिया गया, उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ये कौन कौन से डिवाइस में देखने को मिली है MIUI 14। अभी दोस्तों Xiaomi 12 में, यहाँ पे Xiaomi 12 Lite वगैरह में भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है, सही है दोस्तों। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों Redmi Note 10 Pro और यहाँ कुछ Xiaomi की डिवाइसेज हैं उसमें ये अपडेट आपको देखने को मिलती है MIUI 14 में। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये अपडेट जो ग्लोबल में फरवरी में आ गई थी, सही है। उसके बाद बात करते हैं कि इस अपडेट में नया एक्सपीरियंस ये है दोस्तों, थीम्स वगैरह अच्छी मिलती है, स्मूथनेस मिलता है और फ़ोन आपका बहुत अच्छे से चलता है और मतलब कोई भी आपको मतलब लैग वगैरह फ़ोन में नहीं देखने को नहीं मिलता है MIUI 14 में। अब दोस्तों अगर वीडियो समझ आए वीडियो को लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा।